ASN24 पल पल की खबर। बुधवार को ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति द्वारा सड़क एवं प्रदूषण तथा अन्य मुद्दों पर ACCL पुनर्वास ग्राम गांधीनगर सिरकी खुर्द से रैली निकालकर ACCL दीपका के मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव कर घंटों तक आवाजाही को रोक दिया गया। दरअसल ACCL दीपका क्षेत्र अंतर्गत पुनर्वास ग्राम गांधीनगर सिरकी खुर्द की समस्याओं को लेकर पिछले 5 सालों से सड़क एवं प्रदूषण और ग्राम के अन्य समस्याओं जैसे पानी, बिजली, नाली, भूविस्थापित परिवार के बेरोजगारों को रोजगार, ठेका कंपनी से निकाले गए भूविस्थापित कामगारों को काम पर वापस रखने आदि मांगों को दर्जनों बार समाधान करने के लिए मांग किया जाता रहा है, लेकिन ACCL प्रबंधन की ओर से कोई माकूल प्रतिक्रिया न आते देख भूविस्थापित परिवारों ने अब मजबूरीवश आंदोलन का सहारा लिया है। ACCL प्रबंधन की ओर से पिछले 5 साल से केवल आश्वासन ही दिया जाता रहा है, किंतु अपने अड़ियल रवैये से निवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किया गया है। अपने पूर्व निर्धारित घोषणा के अनुसार सिरकी खुर्द से सैकड़ों की संख्या में, जिसमें बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल थी, नारेबाजी करते हुए रैली की शक्ल में 3 किलोमीटर की दूरी तय कर ACCL दीपका मुख्यालय में पहुंचकर मुख्य द्वार के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए ऑफिस आने जाने वाले अधिकारी कर्मचारियों को रोक दिया गया। इस दौरान SDM कटघोरा ने मोबाइल से प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने की पेशकश किया, किंतु सक्षम अधिकारी को आंदोलन स्थल में आकर बातचीत करने की मांग किया, जिसके बाद GM माइनिंग देवांगन, एरिया कार्मिक प्रबंधन दुर्गा प्रसाद, उप कार्मिक प्रबंधक पालीवाल, दीपका तहसीलदार शशि भूषण सोनी सहित अन्य अधिकारियों ने चर्चा किया और लिखित आश्वासन दिया। साथ ही 29 जुलाई को पुनः उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा कर निराकरण करने की शर्त पर 4 घंटे तक चले घेराव को स्थगित किया गया। ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति के सह सचिव प्रकाश कोर्राम का कहना है कि प्रबंधन हमेशा से ही पुनर्वास संबंधित समस्याओं को प्राथमिकता देने के बजाय टाल मटोल और उदासीनता रवैया अपनाते रह रहा है। नहीं हुआ है, वो साफ सफाई करे, दूसरी तरफ लोग रहते हैं, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। स्ट्रीट लाइट पूरी तरह से ठीक होना चाहिए, पुनर्वास की जो सुविधा होनी चाहिए पूरी तरह से पुनर्वास सुविधा को अमल करे, ठीक करे। आप लोगों की यहाँ पर उपस्थिति होने का क्या उद्देश्य है? हमारे गाँव में मतलब पुनर्वास के पूरा मतलब हर चीज कोई ढंग से बने व्यवस्था नहीं हो पाते, उसी के लिए मतलब हम एकरा घेराव लगा है। और हमारे जो बाल बच्चा है उसके रोजी रोटी मजदूर नहीं बन पाते, और क्या कहते हमारे सब किसान के खेती बाड़ी सब लूट ले तो हम कहाँ जाएंगे भाई साहब। और मतलब इतना दिन हो गया, आज सब चीज़ के करेंगे, काल के करेंगे, किसी का बसावट नहीं मिला है, किसी का मुआवजा नहीं मिली है, किसी का लोग लेकर रोड में घूम रहा है और गली रोड कोई चीज नहीं बना थे, पानी कांजी में ढंग से व्यवस्था भी नहीं, पाइप फूटे है, सब चीज़ हो है, मरामत भी नहीं है पुनर्वास का। और मतलब जबका जमीन देहन थे भाई मन के मतलब बाल बच्चा घूम रहा है उसके लिए रोजी रोटी भी नहीं है, और फिर हर चीज़ के बाद प्रॉब्लम मतलब हमारे सिर की पूरा खदान तक के मतलब घूम के मतलब आज जाबो काल जाबो, कई बार कागज़ दे चुके हैं मतलब आके ऑफिस में, आज जाएंगे काल जाएंगे, क्योंकि वो चीज़ लग कहीं से और मतलब आज तारीख ले सही तरीके से इंक्वायरी नहीं की रहे हैं। हाँ, और क्या कहते खदान में लोग लड़का मन जाते तो ऑफिस जाते, कोई भी आदमी ऑफिस आवे तो कहते हम चिन्हे पहचाने नहीं, तो हम क्यों चिन्हेंगे भाई बाहर के आदमी, जब हम किसान भाई को नहीं चिन्हे दुख में सुख में, तो हम अब हमारे दावा से मतलब जी रहा है, अब किसान का कोई इज्जत नहीं कर रहा है। ऑफिस लोग लेके आते तो कहाँ का है कैसा है, कह के सबके कारण मांगते वो मांगते तेरे वो नान कह के, तो भाई किसान के जमीन लेते दिन तो सब चीज़ ले जाना थे, हर चीज़ ला बायोडाटा हवे। और आज हमार बेटल भेजा थन तो तोर परिचय पत्र नानो, तो यू साहब मन हमारा पूरा परिचय पत्र देना भाई, किसान लता तो जान बोते कहाँ से आए कैसे आए हता, तो हमार परिचय पत्र तो खुले ही मतलब पड़े इतके हमार पूरा बसावट, और जतका कोयला खदान निकले थे
जतका जनता पुनर्वास मन में पूरा हर चीज के मतलब प्रॉब्लम है भाई साहब। हाँ वही तो 5-6 बार तो कागज दे चुके हैं, रिसिप्ट दे थे, आज कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, तो हो ना तब ना आई रेंगे में कितना मुसीबत। डेली के स्टूडेंट होते, बाल बच्चा के कीचड़, रोड सफाई नहीं ना, नाली सफाई भी नहीं, हर चीज अब मतलब आते तक कहते नहीं नहीं हम कॉल कर देंगे, ठेका हो गया है, ऐसा हो गया, तो उसके मतलब विवरण ला आज सही चीज ला लिख के हम ऐसी सियाल दे ओकरे नाम से हमें मेर मतलब हड़ताल रखे हन। वो जितना हमार मांग है उतका पूरा करे तो हड़ताल टूटी, और नहीं करे तो हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। क्या डिसीजन हुआ? मामला ये था कि जो पुनर्वास गांधीनगर है वहाँ श्रमिक चौक से सिटी मोड़ तरफ जाने वाली रास्ता की पूर्ण रूप से मरम्मत, पुनर्वास के विभिन्न समस्याओं को लेकर आज यहाँ हम लोगों ने आंदोलन किया था, और यहाँ अभी पूरा आंदोलन चल रहा था। फिर तहसीलदार साहब की उपस्थिति में, पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में, इसके प्रबंधन की उपस्थिति में हफ्ते के अंदर 29 तारीख को 2 बजे बैठक रखा गया है। इस बैठक में सभी समस्याओं को में और कार्य को करने की सहमति बनी है, उसके उपरांत हम लोगों ने आंदोलन अभी स्थगित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, KSN 24 न्यूज़।